ये है हमारे ऊपर का घर, मैंने आपको अभी नीचे से दिखाया, ये है ऊपर से, ये वाला पुराना वाला घर है जिसमें हमारा 7-8 रूम है। ये भी नया वाला है जिसमें आया हूँ, और ये 3 बेडरूम है, बड़े भाई का, मेरा और मिडल का, छोटा भाई बीच में। ये अभी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी काम चल रहा है। गांव का नजारा, हमारे गांव की गाड़ी, और सबसे जरूरी ये मंदिर है संतोषी माता का। ये हमारे चाचा को काम चल रहा है का, उसके बाद हमारा होगा। चलो अभी मैं आपको सेकेंड फ्लोर पे लेकर चलता हूँ। ये तो फर्स्ट फ्लोर था, सेकेंड फ्लोर यानी कि टेरेस है, अभी उसके ऊपर बना नहीं है। सबसे पहले तो ये रही चाबी, ये रहा ताला। हाँ क्या होगा, क्या अभी उस घर का भी थोड़ा बहुत काम बाकी कराएंगे। ये बहुत पहले का घर है, ये जो घर है बहुत पहले का है, कम से कम 25 साल हो गए होंगे जब पापा बॉम्बे गए थे तब से। और अभी यहाँ पे बनेगा, मैं यहाँ पे शाम को बैठता हूँ, चाय वगैरह, कॉफ़ी, थोड़ा सा स्मोकिंग। सबसे ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बता दूं, मेरा घर गांव के एकदम एंड में पड़ता है, एकदम लास्ट। तो एकदम लास्ट होने का फायदा ये है कि तीनों तरफ खेत एकदम खुला, साइड पूरा काम मैं आपको बताऊं। ये जो दिख रहा है टाकी जैसा, ये हमारा टॉयलेट है, सोचो रहने का यहाँ, जाने का वहां, टॉयलेट के लिए। यहाँ पे इतना स्पेस, इतनी जगह होती है कि किसी से घर में ही बात करना हो, बुलाना हो तो फ़ोन करना पड़ता है कि भाई नीचे आ जा, काम है। बॉम्बे में तो भाई छोटे से घर में रहना पड़ता है, क्या करें, महंगाई। तो गाइस ये था हमारे गांव का घर, यूपी जौनपुर का। आज ही मेरा बॉम्बे का टिकट है मम्मी पापा में, चलो बॉम्बे में मिलते हैं। वीडियो आई है, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।